हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने का बहुत ही नया और बहुत ही अलग तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम क्रीम के टॉपर्स बना करके केक को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डेकोरेशन। तो गाइस, हमारे केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने प्लेन वनीला फ्लेवर का केक बनाया था और उसकी फ्रॉस्टिंग मैंने करके रखी है। और अभी केक के टॉप पे सेल्फ डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, मैंने एक केक कोम ले लिया है और रैंडमली हम इस कोम के स्ट्रोक्स लगाते जा रहे हैं केक के टॉप पे। और ये देखिए, बड़ी सुंदर सी एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइस, केक की फ्रॉस्टिंग होके तैयार है, इसको हम अभी के लिए फ्रिज में रख देंगे ना। अभी मैंने दो बोल्स में दो दो स्पैटुला भर की क्रीम ली हुई है। इनमें से एक बोल में मैंने डाली है कुछ एक ड्रॉप्स पिंक जेल फूड कलर की, इसको मिक्स किया और हमें पिंक कलर की क्रीम मिल गई। दूसरी तरफ मैंने दूसरे बोल की क्रीम में डाले हैं कुछ एक ड्रॉप स्काई ब्लू जेल फूड कलर के, मिक्स किया और इससे हमें स्काई ब्लू क्रीम कलर मिल गया है। और अभी इन दोनों कलर की क्रीम्स को मैंने N1 नोजल वाले पाइपिंग बैग्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। नाउ गाइज, हमारे केक की डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए होंगे ये कुछ स्क्यूअर्स एंड टूथपिक्स। तो गाइज, ये देखिए, दो साइज़ के मैंने टूथपिक या स्क्यूअर्स लेके रखे हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है इकोबेक, जो कि होता है नॉनस्टिक, रीयूजेबल और इको फ्रेंडली। और हमें हमारी डेकोरेशन के लिए इसी तरह का नॉनस्टिक पेपर चाहिए। तो दो पीसेस मैंने इकोबेक के कट करके एक प्लेट में अलग रख लिए हैं। तो अभी मैंने लिया है ये स्क्यूअर और साथ ही में पिंक कलर के N1 नोजल वाली क्रीम। और अभी वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम स्क्यूअर को नोजल से अंदर डाल देंगे पाइपिंग बैग के, और उतना हमें स्क्यूअर को अंदर डालना है जितनी की बड़ी हमें डेकोरेशन चाहिए। और अब हम पाइपिंग करनी शुरू करेंगे इसी स्क्यूअर पे, और पाइपिंग करते हुए हमें स्क्यूअर को रोटेट करते जाना है, जिससे कि स्वर्ल के जैसा डिज़ाइन बनेगा। और जैसे ही स्क्यूअर कवर हो जाता है, वैसे ही हम पाइपिंग करके नोजल को या पाइपिंग बैग को हटा लेंगे। तो ये देखिए, हमें स्वर्ल के जैसा स्टिक में डिज़ाइन मिल चुका है। और अब इस डिज़ाइन को हम रख देंगे इकोबेक के ऊपर। और ये देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ एक डिज़ाइन बना के रखे हैं सिमिलर तरीके के। और अभी बिल्कुल सेम तरीके से हमें जितने भी स्वर्ल डिज़ाइन चाहिए हम सिमिलर वे में बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइज, ये कुछ एक हमने पिंक कलर के स्वर्ल डिज़ाइन बना लिए हैं। अभी मैंने ली है ब्लू कलर वाली क्रीम, जो कि अगेन N1 नोजल में ही है। और अब बिल्कुल सेम तरीके से हम स्क्यूअर को इस नोजल के अंदर डालेंगे और फिर पाइपिंग करना शुरू करेंगे। और इस बार हम स्क्यूअर को रोटेट करेंगे पाइपिंग के ड्यूरिंग लेफ्ट राइट। इससे पहले हमने स्वर्ल जैसा बनाया था, इस बार हम लेफ्ट राइट करके थोड़ी सी अलग सी डिज़ाइन बनाएंगे। और इसको भी अभी हम रखते जाएंगे इसी इकोबेक पे। और गाइज, जितने भी आपको लगते हैं कि आपको डिज़ाइन चाहिए अपने केक को डेकोरेट करने के लिए, उतने नंबर ऑफ डिज़ाइंस आप बना के तैयार कर लीजिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे देखे कुछ स्प्रिंकलर्स लिए हुए हैं, एक पर्ल है, एक सिल्वर कलर का है और एक गोल्डन कलर का स्प्रिंकलर है, छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स हैं। और अभी हम अपने मन चाहे स्प्रिंकलर्स अपने इन डेकोरेशंस के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। और जैसे ही स्प्रिंकल हो जाता है, वैसे ही हम जा करके इस डेकोरेशन को रख देंगे फ्रीज़र में कम से कम 1 घंटे के लिए सेट हो जाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ मैंने येलो कलर की भी क्रीम ली हुई है, इसमें भी आप N1 या फिर 2D नोजल डाल सकते हैं। और अभी इस येलो कलर की क्रीम से देखिए थोड़े से रोजेट्स जैसे मैं बना ले रही हूँ इकोबेक के ही ऊपर। तो पहले मैंने येलो कलर के बनाए हैं, फिर मैंने कुछ पिंक कलर के बनाए हैं, और फिर मैंने ब्लू कलर के भी कुछ रोजेट्स बनाए, छोटे बड़े आपको जैसे अच्छे लगे वैसे रोजेट्स बना लीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़े से स्टार शेप के भी फ्लावर्स मैंने बना के रखे हुए हैं। नाउ गाइज, अभी मैंने फिर से छोटी वाली टूथपिक ली है और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हर एक फ्लावर पे हम ये टूथपिक इंसर्ट करते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से कि अच्छे से सेट हो जाइए फ्लावर्स में। और अभी मैंने थोड़े से स्प्रिंकलर्स अगेन लिए हुए हैं और इनको मैं फ्लावर के सेंटर में रख ले रही हूँ ताकि हमारे फ्लावर्स में अच्छा सा ग्लो आ जाए। और जैसे ही सारे फ्लावर्स स्प्रिंकल के साथ में तैयार हो जाते हैं, इस प्लेट को भी यानी कि इन सारी डेकोरेशंस को भी जा करके हम रख देंगे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए सेट हो जाने के लिए। तो गाइस, दूसरी तरफ अभी मैंने यहाँ पे क्लोज्ड स्टार शेप नोजल ली हुई है और उसमें मैंने व्हाइट कलर की क्रीम डाली हुई है। और अभी इसी नोजल से हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से अपने केक के टॉप पे किनारे पे ब्रीड डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। नाउ गाइस, 1 घंटे भी हो चुके हैं और हमने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं हमारे डेकोरेशंस। तो लुक एट दिस गाइस, मैं इनको स्क्यूअर की हेल्प से उठा रही हूँ तो कितने आराम से उड़ जा रहे हैं ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रीम चिपक रही हो या फिर नीचे गिर रही हो, ये बिल्कुल अच्छे से सेट होके तैयार हो चुके हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इतने अच्छे से सेट हुए हैं कि केक टॉपर की तरह हम इनको केक में डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ले लिया हमारा केक और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम हमारे दोनों लॉन्ग वाले सबसे पहले ये डेकोरेशन ब्लू और पिंक कलर वाले सेट कर लेंगे हमारे केक के ऊपर।
और गाइज अगर आपको डेकोरेशन का ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी वो किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और अभी हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है हमारे रोज़ेट वाली डेकोरेशंस भी, और चलिए इनको भी चेक करते हैं। तो लुक एट दिस गाइस, ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट केक टॉपर की तरह, जिनको आप आराम से केक में इंसर्ट करके सेट कर सकते हैं। तो अभी इनको भी ले जा करके मन चाहे तरीके से, मन चाहे फैशन में हमने इनको भी सेट कर लिया है हमारे केक के ऊपर। एंड लुक एट दिस गाइस, ऑलरेडी केक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है रेगुलर केक से। और जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बचा था वहाँ पे मैंने फ्लावर्स को सिंपली रख लिया है ले जाकर, और अब पिंक क्रीम की हेल्प से N1 नोजल से ही हमने ड्रॉप ड्रॉप करके हमारे केक के बॉटम पे भी बना लिया है बॉर्डर की डिज़ाइन। और ये देखिए गाइस, हमारा केक डेकोरेट हो गया है बिल्कुल रेडी, बिल्कुल नए तरीके से, और बहुत ही बढ़िया लग रही है डेकोरेशन, बिल्कुल चार्मिंग, एकदम फुल ऑफ लाइफ लग रहा है हमारा केक। और किसी भी ओकेजन पे इनको आप पहले से बना के रख सकते हैं, और फाइनल डे आप इसे केक पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से केक को डेकोरेट करने का तरीका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।